शैतान की जगह की आप ना आपसे आके जाना, फिर मिल लेना, फिर चले जाना कर रहे थे। आपने बहुत बुरा किया, आपने अच्छा नहीं किया। मौजम अली की फिर शादी है इंशाल्लाह, अल्लाह पूरी करते ही क्यों खा दी अल्लाह दे मां भाभी रोए ना इतना अरे ऐसे भेजे इंशाल्लाह बिना भी 10 12 दिन बाद फिर आ जाएंगे। दुख के चक्कर आ रहे हैं ना मेरे को, मेरे दुख के। मेरी प्यारी भाभी, मेरी प्यारी बहन, कुछ नहीं होता। आप हमारी बहन भी हो, भाभी भी हो। आज तो मैं नहीं जाने दूंगी, आज जाने दूंगी, कल रोकूंगी नहीं। अब मैं क्या सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे भाई को यहाँ पे छोड़ जाओ, जरूरत नहीं है हमें, जाओ। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी खरगोश। हाँ जी माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर ऑफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ से अभी तक हम यहीं पे हैं जी। जा रहे थे जल्दी, लेकिन अभी तक यहीं पर हम रुके हुए हैं। कितना टाइम गुजर गया है, आप लोग जो है ना शाम को ये वीडियो देख रहे हैं, हम सुबह से निकल रहे थे, लेकिन अभी जो है ना साहब से हम नहीं मिल पाए, क्योंकि अभी अफजल भाई उनका घर रहता है और उसके बाद और भी फैमिलीज हैं, लेकिन सब से नहीं मिल पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, जा भी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। ये न्यू हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। तो जैसे कि आपने देखा अभी भी हम इधर ही हैं, वो ना हम जा ही रहे थे, लेकिन फिर ख्याल आया कि अफजल भाई से और भाभी से, और यार सुबह से हमने याद किया हुआ था, याद तो किया हुआ था, लेकिन अभी जो ना गाड़ी में बैठ रहे थे तो सोचा गाड़ी जो ना इधर ही रुक जाए, वो ना असल में भाभी सबा गुस्सा हो गई, वो गुस्सा हो गई और अहमद भाई अभी तक वापस नहीं आए, वो भाभी को और बेबो को छोड़ने के लिए गए हुए हैं। बेबो को स्कूल छोड़ना था और भाभी को हॉस्पिटल छोड़ना था जी। तो इसलिए फिर भाभी सबा भाभी ने कहा कि वो वापस आता है तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे, ऐसे नहीं देंगे, जाना है हाँ। तो चले हमने सोचा अफजल भाई से मिल लेते हैं, उनसे इजाज़त ले लेते हैं। क्या नाम है वो? हाँ वो नबीला राशिद, उनके घर पर भी जाना है। चले अहमद भाई तब तक आ जाएगा, हम इनसे जो है ना मुलाकात कर लेते हैं अलविदा, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम वापस आएंगे, क्योंकि नंबरदार की शादी है तो इस पे जो है ना हमें जरूर आना पड़ेगा। हाँ क्योंकि भाभी तो अभी कह रही थी कि वो रात आई ना तो कहने लगी आपने नहीं जाना घर। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मैं अकेली हूँ और ये सामान वगैरह भी लेना पड़ेगा, मैं अकेली कैसे जाऊँगी। तो मैंने कहा हमारा जो है ना काम बहुत ज्यादा है, हमें वो ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना जरूर चक्कर लगाएंगे। अच्छा मेरा बाजू थक गया, मैं चेंज कर लूँ। मेरा बाजू जो है ना जल्दी थक जाता है, क्योंकि वीकनेस हो गई है ना, वो तबीयत ख़राब हुई थी उसकी वजह से, वैसे काफ़ी मैं पहले से कमज़ोर हो गया हूँ, है ना। हाँ कमज़ोर हो गया, कुछ मेरा वज़न भी कम हो गया, काफ़ी सारा काम हो गया। पहले अच्छा अफजल भाई से मिले या उधर चले? उधर चलते हैं, क्योंकि वाला मिस्त्री मैंने पहले उधर चलते हैं। वहाँ पे जो ना मिस्त्री आ जाते हैं बेचारे, वो हमारे इंतजार खड़े रहे, कल भी हम गए थे ना। हाँ काफी लेट हो गया, काफी आज हम वो ये जोड़ी इधर खड़ी है भाई, ये जोड़ी आगे चल रहे हैं, अभी आगे आ जाओ, अभी चलते हैं उधर नबीला राशिद वालों के घर, उनसे मिल लेते हैं, फिर वापसी जो है ना उनसे मिल लेंगे। ठीक हो गया, ये परिंदे खेल रहे हैं शीशे में, आईने में। और राशिद भी मेरे ख्याल में स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं बच्चों को, बस हम भी पहुंच गए, उनसे बस दुआ सलाम करते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर अफजल भाई से मिल के अहमद भाई भी आ जाएगा, फिर जो है ना हमारी वापसी होगी। ठीक हो गया जी, और इधर माल मवेशी खड़े हैं जी, बंधे हुए हैं दरख्तों के साए के नीचे, हालांकि सुबह का टाइम है, इतना जल्दी इधर बांध दिया, नहीं इनकी जगह यही है, जगह यही है है ना, नहीं इसने खाना पीना किसी और जगह पे किया, और हाँ। फिर सुबह जल्दी जो है ना इनको शायद नाश्ता वगैरह करा लिया होगा, उसके बाद इधर बांध दिया होगा, है ना। हाँ क्योंकि इनको जो है ना सुबह जल्दी नाश्ता करवाते हैं। हाँ। क्या पीछे बगैर कैमरे वाले आ रहे थे तो मैंने देखा,
मैंने कैमरा अपनी तरफ रखा हुआ, पीछे तो नहीं जा रहा। ये देखिए जी खरगोश, माशाल्लाह कितना प्यारा है। हाँ उसने कहा कि ये कौन आ गए हैं, हमारे वाकिफ तो नहीं है, ये यहाँ पे आ गए इसलिए डर के। तो राशन भाई छोड़ने के लिए जा रहे थे बच्चों को, वो तैयार होकर यूनिफॉर्म जो है ना पहन के वो खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है आप जान? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। दुआ चाहिए आपकी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह देखें जी। हाँ जी माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। स्कूल जा रहे हो? चले माशाल्लाह। अच्छा ये देखें, आपने कहा था कि मैंने आपके साथ जाना। हाँ आया तो को तो हम साथ लेके जाएंगे। अच्छा एक एक चीज और नोट करें, माशाल्लाह से ये देखें स्टेप बाय स्टेप खड़े हुए भी लाइन में, ये देखें ये अल्लाह की जिंदगी। तो कह रही थी मैं आंटी के साथ जाऊंगी, मैं उनका यूनिफॉर्म समेत ले जाऊं। हां कल आए अपने कहा कि मैंने जाना। अब पूछे, अब पूछे चलना है? चलना है बेटा, हम जा रहे हैं। इसकी अमेरिका तक डिमांड है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, क्यूट। चले राशिद भाई आप इनको स्कूल छोड़े, हमारी वापसी है। बहुत ज्यादा लेट हो गया, 5 बजे स्कूल लगता है। जी आज हमारी वापसी है, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह वापसी है शादी में। तो इसलिए जो है ना मैं वो हर जगह हमें बताना पड़ रहा है, 3-4 फैमिलियों को पहले भी बताया है कि मजबूरी है थोड़ी, मेरी बेटी का हुआ है ऑपरेशन, वो बेबी हुआ है हमारा नवासा, तो वो खैर मुबारक भी अल्लाह पाक खैर रखे, तो इसलिए उन्होंने जो है ना वो परेशान थी रात, वो रोने लगी है कि अब्बू अम्मी मेरे नहीं है, वो आए ही नहीं। तो इस वक्त में तो अम्मी अब्बू ज्यादा वो जब ऑपरेशन के लिए बता रहे थे जाने लगे तो वो पहले बैठ के होती रही कि मेरे अब्बू अम्मी को। कल कह रही थी कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आप कह रही है कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने अपनी मम्मी के पास रहना है। नहीं आप कह रही है कि आप मैंने नहीं जाना। ठीक है फिर दुआ बेटा, हमारे साथ पास चलना है गांव में, हमारे गांव में। हाँ जी हमारे ठीक है, आप ही जान आप हैं तो हमसे बड़ी। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली बार नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला। हाँ अब शादी पे आना है ना फिर वो नंबरदार की शादी पे। इंशाअल्लाह बस कंप्लीट है, थोड़ा रह गया है, बाकी काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। प्लास्टर का ये आप देख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर का काम शुरू है ना। ठीक है राशिद भाई, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी जिंदगी, बाकी तो दो में याद रखना है। हाँ आप बच्चों को स्कूल छोड़े, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है। ठीक है भाई जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। जिंदगी रही, जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जी। बुरी लगी हुई तो हम आपसे नहीं, हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चलो जी आप चलते हैं, आप मिल रहे हैं अफजल भाई से। अल्लाह हाफिज़ आप जा, नहीं नहीं परेशान नहीं होना। अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा खुशी है। चले जी अब चलते हैं जी सीधा अफजल भाई के घर। ये फिर रुक गए हैं, ये औरतों की आदत होती है जब वापसी पे अल्लाह हाफिज कर रही होती है ना, फिर भी ये तकरीबन काफी देर तक रुक जाते हैं गप्पू शप्पू में, है ना सतार भाई।
जिनकी बातें लंबी हो जाती है ना। शुक्र है आ गई शुक्र है। अब ये मुझसे आगे चली गई है, मैं कब से इसका वेट कर रहा था इधर, अब ये आगे भाग गई। आगे तो नहीं हूँ, आपके साथ ही हूँ यार। आप जल्दी जल्दी जा रहे थे वो ना, हम समझा रहे थे आप, तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जाना हो। हाँ, क्योंकि ये बेचारे न्यू है ना। हाँ। तो इनको समझा रहा था आप इस तरह बनाया करें। अभी तक जो है ना इन बेचारों को मोबाइल पकड़ने का भी तरीका नहीं आता। हाँ, तो इसलिए जो है ना फिर हमें समझाना पड़ता है। हाँ, इसलिए तो हम उन्हें साथ लेकर आए। चले, उनका वो जो ना कुछ दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और तरीका भी नहीं आता। सीख जाएंगे ऐसा इंशाल्लाह ताला। बस हम पहुँचने वाले हैं, बस पहुँच गए हम। शायद भाई वालों का तो ताला लगा हुआ है क्योंकि वो यहाँ से चले गए। हाँ, उनके जो ना बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से वो बेचारे चले गए। और आप सब बहन भैया ने दुआ जरूर करनी है कि वो जो ना जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह ताला बेहतरी करे। जी आ गए जी, उनका दरवाजा और यहाँ पे जी उनकी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं जिससे ये आग वगैरह जलाते हैं। हनीफ भाई और भाभी तो पहले आ चुके हैं हमसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अफजल भाई, तबीयत कैसी है आपकी? कुछ बेहतर है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए। दवाई ले आया था मैं। अल्लाह ताला आपकी हर तकलीफ को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? कल वीडियो में अल्लाह ताला सेहत दे। हाँ, बस अलविदा ही मुलाकात करने के लिए आए हैं। नहीं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगली बार नहीं, पिछली दफा आपके यहाँ दावत खाई थी हमने आपके पास होटल पे। वो ना असल में वो नंबरदार की शादी है ना, फिर हमने जल्दी आना है, तो फिर इंशाल्लाह दावत फिर कहेंगे कि जल्दी घर जाओ। हम थक चुके हैं, जाओ अभी। हर बार ऐसे कहता, हम भी नहीं कहा। ये भाई और जो ना भाभी दोनों परेशान है, इनकी वजह से फिर हमें जाने पड़ा। अल्लाह तआला के परेशान हो। आमीन। सुन, खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, अल्लाह पाक खैर से ले जाए। तो ठीक है, अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द सेहत दे। ठीक है फिर अफजल भाई, इजाजत दें। दुआ है हमारी, दुआ है कि हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आपको छोड़ के नहीं जा रहे, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। भाभी से मैं मिली हूँ, सबसे मैं जो बगैर कैमरे वाले अंदर बैठे मैं सबसे। इस बेचारे ने देखें कैमरा किस तरह पकड़ा हुआ है, कैमरा दूसरी तरफ। ठीक है भाभी, दुआ करनी है, दो में याद रखना है, खैर खैरियत से हम पहुंच जाए। अब चलते हैं जी सीधा अहमद भाई के घर, इजाजत लेते हैं। अल्लाह करे कि अहमद भाई वापस आ गए हों, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं हम और एसी भी ख़राब है हमारा, तो फिर जो है ना काफ़ी परेशानी हो गई अगर दिन गर्म हो गया तो, क्योंकि शीशे जो है ना वो गर्म हो जाते हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो फिर जो है ना टेंशन हो गई हमें जी। नाश्ता रेडी, वापस आ गए वे? अच्छा, चलो शुक्र है जी, अहमद भाई वापस आ गए हैं, हम आ रहे हैं, बस पहुंच गए हैं एक मिनट में इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, शुक्र है जी, अहमद भाई वापस आ गए हैं, उनसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला जी, घर पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अहमद भाई वापस आ गए थे और अभी जो है ना हम गए थे वो थर्मास लेने के लिए। हमारा इरादा था कि नाश्ता जो है ना हम रास्ते में करेंगे, अहमद भाई से रास्ते में मिल लेंगे, लेकिन जब आपने इधर जाना था मैंने उधर से आना था। हाँ। क्या मैं ये फटक कर ऐसे आ जाता, लेकिन हाँ, फिर मैंने मोटरसाइकिल पे शॉर्टकट मारा ना, मैं तेरे 7 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा, 7 मिनट। अच्छा, हाँ जी। वो भाभी ने कहा कि आपको अहमद नहीं मिलेगा, आप यहाँ से जाएंगे
वो जो है ना शॉर्टकट आएगा। क्योंकि गाड़ी हो ना, गाड़ी पे मैं आधा घंटा लग जाता, पौना घंटा लग जाता। अच्छा, मोटरसाइकिल पे आप देखे प्यारा मौसम था, यकीन करें माशाल्लाह बहुत प्यारा, दिल खुश हो गया जाते हुए ना वापसी, फिर अकेला आया बाइक पे तो और मजे होते हैं सवारी करने के। ये नहीं है कि आप देखें कल शादी हुई है आज मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ के आया, यार काफी बार बताया, एक साल हो गया शायद, हम पुराने हो गए हैं। ये तो बस एक मतलब लेके आया इस घर में एक न्यू फंक्शन करके लेके आया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो बहुत पुरानी है। आ गए आ गए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जाए शक्ल लिखा हुआ को काफी दीवारा थी गए कहने दी चलो देख दे बस इधर बनाया जा रहा है नाश्ता, खाया भी जा रहा है। आपने बहुत बुरा किया, आपने अच्छा नहीं किया, सीरियसली नहीं किया, मैंने कहा कि मैं आपके साथ करूंगी, नहीं किया मजाक। आप झूठ ना बोलो, मजाक आता किया है, आधा आपके साथ कराएंगे, आता कर लिया है वाकई है भाभी, इसने राज भी किया हुआ है। जैसे रोटी नीचे उतारी है ये बड़ी भुखड़ है, आज पता चले ने क्या, हमने कुछ भी नहीं खाया सीरियसली, हमने कहा कि बस मैं अभी लेकर आती हूं, आपकी मर्जी है, आपके हमें जरूरत नहीं है, हम जब करेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने कर लिया, आपने मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। एक मिनट में चेंजिंग हो गई है, तो चेंजिंग आपने की है ना, हमने तो नहीं की, वैसे कल दावा तो भाई ने दी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी दावा थी, सब चीज अच्छी बनाई, लेकिन पता नहीं कब मुझे क्या हुआ था, मैं नहीं खा सकती, आपके सामने बैठी थी, आपके साथ ही बैठी थी, फिर मुझे जो ना भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और मेरे मैदे में शरीर के संग का दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने और बहाने और बहाने और बहाने बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, मर्जी आपकी, कोई कोई मसला नहीं, बस भूख जब लगे कोई मसला नहीं, आप है ना आप बड़े शैतान हो, शैतान की जगह की आप ना आपसी आके जाना, फिर मिल लेना, फिर चले जाना, जब इधर आए तो आटे की गुदाई भी होगी थी। अब देखो भाई आप खुद इंसाफ करें, जैसे ये कह रहे हैं कि मुझे चलने का साथ भी नहीं था, अगर मैं ऐसे भूखा भेज देती ये रास्ते में मुझे गालियां देती जाती, ऐसी थी इसमें रोटी भी नहीं खिला दिया मैं, बिल्कुल इसके काम यही होते हैं, लेकिन खुश न थी, आज तो मैं नहीं जाने दूंगी, आज जाने दूंगी कल रोकूंगी नहीं, अब मैं क्या सकता हूँ, नहीं नहीं भाभी जाना तो है, आज जाने नहीं दूंगी कल रोकूंगी नहीं, जाना तो है इंशाल्लाह ताला, फिर जल्दी वापस हम आएंगे, तकरीबन आज का दिन है, आधा दिन वैसे भी गुजर चुका, बाकी आधा ही रहता है, नहीं अभी सुबह 12 घंटे नहीं 10-11 का टाइम हो चुका है, टाइम का पता ही नहीं चलना, एक बज जाएगी, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, कल हम आप लोग को रोकेंगे नहीं, लेकिन आज हम जाएंगे, मुझे मुझे किसे भूख लगी है, मुझे लगी है भैया को, शमशादी को मुझे लगी है, इसने तो खा लिया है ना, लेकिन भैया कह रहे हैं मुझे लगी हुई है, इतनी हाँ इसको लगी हुई है, चलें जी देखते हैं, बैठे हम आपके लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं भाई, ओके ओके, नहीं तो हमने नहीं खाना रहना, आपकी मेहरबानी, अपने भाई को खुद नाश्ता दे सकती हूँ, उधर कौन देगा, अगर आप इंतजार करती तो इधर अम्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे भाई को यहाँ पे छोड़ जाओ, जरूरत नहीं है, जाओ चले जी, आप इधर है ठीक है, आपका जो ना वो अच्छे खासे से ध्यान भी रखेगी भाभी, वैसे इसका जो ना जब गुस्सा तेज होता है तो मेरा दिल करता है कि वहीं पे चला जाए, यार मुझे गुस्सा कभी आया भी है, हैं कभी जिंदगी में गुस्सा आया भी नहीं है मुझे, नहीं देखा इसका गुस्सा, मैंने देखा है, वो कहा है कि शक्ल से पता
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। हाँ कभी कभार आ जाता है गुस्से में, मैं खुद भी तेज हूँ, मेरे हस्बैंड भी तेज है, लेकिन इंसान है आ जाता है जब आप तीनों गुस्सा तो हर हम तीनों। लेकिन हक हक पे गुस्सा आता है बंदे को साफ जहर है, ना हक नहीं आता कभी भी जिंदगी में। जब भाई गुस्सा जो है वो मोटा नहीं थे जब पता है। लो जी ये जो ना सब गुस्से में है, आप जो ना हम दो बचते हैं चले पतली गिरती मतलब पतली हो गई। नहीं आपने ज्यादती किया है ना, अकेले अकेले आपने नाश्ता कर लिया, हमारा वेट भी नहीं किया, मर्जी है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी हसन अपना नाश्ता कर रहा है, किस तरह नाश्ता किया जा रहा है जी, दही खाई जा रही है, वो खाली हो गई है ना, कम बच गई है, तो इस तरह चमची पे डाल के इस तरह खाई जा रही है दही। आधी नीचे जा रही है, थोड़ी चमची में जा रही है, बस अब तो ख़त्म हो गई है हसन, अब तो दही ख़त्म हो गई। दही से बहुत अच्छी लगती है, तो बड़े मजे से दही खा ली है, है हसन खा ली, बस रज गया है चाचू, और खानी है, और खानी है। अच्छा हसन कहते हैं और भी खानी है मैंने, वो इस तरह नहीं इसे नहीं खाना चाची, से नहीं खाना, ये गंदी हो गई है, ठीक है ये गंदी हो गई है, इसे नहीं खाना, ये उधर पकड़ो, वो आंटी से कहो वो आपको दही देगी उधर, शाबाश। दही बची हुई है, ए गिनाए कटोरे गिनाए हसन को लो। लस्सी बनाई जा रही है, वो मशीन खराब हो गई है, लस्सी बनाई जा रही है, जला दी मशीन, भाभी का नाम चेंज है, परी हो गया, अभी जो है ये लोग जा रहे हैं, तो आपने ज़रूर सपोर्ट करनी है इनके लिए, जितनी आपने इन्हें प्यार और मोहब्बत दी है ऐसे ही आपने इनको देते रहना है, ये माशाल्लाह इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, ज़्यादा देर ले रहे हैं, बार बार इजाज़त ले रहे हैं जाने के लिए, हाँ अबू से भी इजाज़त ले लेते हैं और फिर जो है ना अहमद भाई से भी ज्यादा लेंगे, ठीक है 50,000 देते हैं माशाल्लाह, खैर ना पहुंच गया दुनिया, याद रख इंशाल्लाह, जितना हो सके ये आज जो आए हुए हैं अनीस भाई भी हैं, इनकी भरपूर सपोर्ट करनी है, क्योंकि यार ये मुस्तहिक हैं, उनके जो हालात हैं वो आपने शायद इनके चैनलों पे देखे होंगे, हर चीज वाजे होती है, लाइव होती है, बंदा दिखाता है, अब मैं दिखाता हूँ मेरा घर है, आप दिखाते हैं आपका घर है, आपको नहीं पता यार ये कैसा है वो कैसा है, तो जितना हो सके इन दोनों की आपने सपोर्ट करनी है, बहुत बहुत थैंक यू जी, हमने भी आप दोनों ने खाया पिया आपसे होती है ना हमसे होती है, बाकी हमारी वक्त दी बहुत, हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, ऐसे यार थोड़े दिन बाकी है, मुअज्जम अली की शादी होने वाली है इंशाल्लाह, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लग रहे हैं हमें।
लेकिन पीछे काम भी है क्योंकि वो अनिल भाई की बेटी का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, वो काफ़ी परेशान है, वो बाकी हमें भी डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर करते हैं बहुत जल्द। बाकी ख्याल रखना है हमारे दोनों भाभीियों का, अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे हमेशा, दुनिया रवि इस्तेमाल करें, दोनों एक जैसे। और मुझे पता है आप तो ऐसे ही समझते हैं, लेकिन मैंने जब खत्म किया हमके बीच में तो है, एक शहर की रहने वाली है, एक देहात की रहने वाली है, उनमें ज़मीन आसमान का फर्क तो होगा, लेकिन वो आपको पता है आपने कैसे उनको मेहनत करना है, ये सारे ठीक हो गए बिल्कुल इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बस उम्मीद है आप इंशाल्लाह जल्दी आएंगे वापस इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि थोड़े दिन बाकी है, मौज़म अली की फिर शादी है इंशाल्लाह ताला, फिर इकट्ठे ही होंगे। क्यों खाबी भाई, अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे भाभी भाई दोनों। अल्लाह अल्लाह तो ताला लावे अल्लाह पाक बेहतर करेगा। एक भाई का हाल है अब याद आ गई क्या हुआ भाभी? वो हसक परेशान हो रहा है, वो कह रहा है वो क्या हो गया, मम्मा रो रही है, है? भाभी दोनों रोना शुरू हो गए। भाभी रोए ना, इंशाल्लाह फिर अभी 10-12 दिन बाद फिर आ जाएंगे। हाँ थोड़े दिन बाकी हैं इंशाल्लाह ताला, आप बिछड़ तो नहीं रहे हैं, छोड़ हो ना बस करो ना, जान में दर्द हो तेरे 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 का दर्द के चक्कर आ रहा है ना, मेरे को मेरे दर्द के भाभी खुश ना करे रोए ना करे आप हमारी बहन भी हो भाभी भी हो, दो रिश्ते हैं आपसे, खुश रहने की कोशिश करें, खुश रहा करें, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। चले सर ठीक है फिर चले चले नहीं चलना ठीक है भाई अल्लाह जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात बाकी इंशाल्लाह।